आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। रुक करते इस वक्त की कुछ खास खबरों का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने पहले हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन किए, फिर रामलला मंदिर के गर्भगृह की आधारशिला रखी और पूजा अर्चना की। इसके बाद सीएम योगी ने मंदिर के आर्किटेक्ट और कारीगरों को सम्मानित किया। बता दें कि राम जन्मभूमि परिसर में इस कार्यक्रम के लिए विशेष तैयारियां की गई थी। कार्यक्रम के लिए राम जन्मभूमि परिसर में भव्य पंडाल लगाया गया था। सीएम योगी ने अपने अयोध्या दौरे पर रामलला के गर्भगृह की आधारशिला रखने के बाद कहा कि पिछले 500 साल से देश के साधु संत राम मंदिर को देख कर लेकर आंदोलन चला रहे थे, आज उन सभी को खुशी हुई होगी। उन्होंने कहा कि तैयार होने के बाद ये मंदिर भारत का राष्ट्र मंदिर होगा। इससे बढ़कर के गौरव की अनुभूति का क्षण और क्या हो सकता है। और सचमुच आज का दिवस हम सबको अभिभूत करता है, एक नई प्रेरणा देता है कि हम सदैव धर्म, सत्य और न्याय के पथ का अनुसरण करते हुए जब आगे बढ़ेंगे तो हमें विजयी होने से कोई रोक नहीं सकता है। और आज का ये दिन इस बात का उद्घोष करते हुए हमें एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का जो रूप होगा, ये नए भारत का एक राष्ट्र मंदिर तो होगा ही, एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के इस अभियान को, पूरे देश को एकात्मता के सूत्र में बांधने का एक बहुत बड़ा संबल भी होगा। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में आजम खान से मुलाकात की। अखिलेश और आजम खान की मुलाकात करीब 2 घंटे चली। अखिलेश यादव ने आजम खान के साथ मुलाकात की तस्वीरें खुद ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा, अच्छी सेहत के लिए दुआएं, आप जल्द अच्छे होकर आए। बता दें कि जमानत मिलने पर 20 मई को आजम खान जेल से निकले और 19 मई से अस्पताल में भर्ती हैं। सीने में दर्द की शिकायत पर भर्ती हुए थे। आजम के जेल से छूटने के बाद दोनों की ये पहली मुलाकात है। प्रदेश की योगी सरकार जहां एक तरफ भूमाफिया और अवैध कब्जा धारकों को सबक सिखाने के लिए बुलडोजर अभियान को रफ्तार देने में जुटी हुई है, तो वहीं संत कबीर नगर के घनघटा थाने की पुलिस पर भूमाफियाओं को संरक्षण देकर अवैध कब्जे का विरोध करने वाली महिला ग्राम प्रधान के परिवार का उत्पीड़न करने का आरोप लगाया गया है, जिसके बाद अब ये मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी दिव्या मित्तल से मुलाकात करके उन्हें मामले से अवगत कराते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। कान्हा की नगरी मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान के आसपास के क्षेत्र में शराब फ्री पर बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसी के साथ आज से शराब, बियर व भांग की 37 दुकानों पर ताला लग जाएगा। वहीं शहर के 29 होटलों के बार और 2 मॉडल शॉप भी आज से नहीं खुलेंगे। गौरतलब है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 सितंबर 2021 को मथुरा को तीर्थ स्थल घोषित करते हुए श्री कृष्ण जन्म स्थान के आसपास के 10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में शराब और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। सीएम के आदेश के अगले ही दिन से मांस की बिक्री तो बंद हो गई थी, लेकिन शराब की दुकान अब तक चल रही थी, लेकिन अब से शराब और भांग की 7 दुकानों पर ताला लगा दिया गया है। वर्तमान में संचालित 29 देशी शराब, विदेशी शराब, बियर, भांग एवं मॉडल शॉप को आज 1 जून से शासनादेश के अनुपालन में बंद करा दिया गया है। ये दुकान बंदी का केवल आदेश नहीं है, इस 22 वार्ड में मद्य निषेध का नियम लागू हो रहा है। यानी न शराब बेची जाएगी, न खरीदी जाएगी, न कोई व्यक्ति अपने निजी उपभोग के लिए ले जा सकता है, न कोई व्यक्ति इस क्षेत्र में शराब का उपभोग कर सकता है। इन क्षेत्रों में मद्य निषेध लागू हुआ है।
अमेठी से है जहां लाखों रुपए की हेरा फेरी का मामला सामने आया है। वहीं बिजली विभाग में तैनात जूनियर इंजीनियर सुरेश कुमार के ऊपर 1 लाख रुपए लेकर कनेक्शन कटवाने का आरोप लगा है। वहीं खानापूर्ति के नाम पर 11,000 की रसीद पकड़ा दी। बता दें कि पीड़ित ने बताया कि जेवर बेचकर किसी तरह कनेक्शन कराया तो पता चला कि 2006 से उसका कनेक्शन काट दिया गया है। मैंने 1 लाख रुपए दिया, मुझे 11,527 रुपए रसीद दी। किसके माध्यम से दिया था आपने? मैंने डायरेक्ट जेई की दिया। क्या कहा जेई साहब ने आपसे? आपका बिल जमा करा दिया। अच्छा, तो इस पर आपने टिप्पणी नहीं की जब आपको 11,000 रुपए की रसीद मिली और आपने 1 लाख रुपए दिए? तो मुझे दुख हुआ, तो मैंने जेई से मिलना चाहता। संवाददाता वीरेंद्र तिवारी इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, अब इस पे किस तरह से उच्च अधिकारी एक्शन ले रहे हैं और क्या कुछ यह पूरा मामला है? जी, मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि ये अमेठी जिले के मोहना पश्चिम पावर हाउस का मामला है, जिसमें 1 लाख रुपए की हेरा फेरी का मामला सामने निकल के आया है, जिसमें जो उपभोक्ता से 1 लाख रुपए लिए गए थे कनेक्शन काटने के लिए, जिसमें 11,000 रुपए की उपभोक्ता को रसीद दी गई और उसके बाद 89,000 रुपए जो सुरेश कुमार जेई हैं उनके द्वारा हड़प कर लिया गया है। अब जो मामले की जांच है वो उच्च अधिकारियों द्वारा की जा रही है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद वीरेंद्र। देवरिया में अब छोटे छोटे बच्चे भी ताश के शौकीन हो गए हैं। सरकार एक तरफ जहां बच्चों के लिए अनेकों सुविधाएं दे रही है जिससे बच्चों का जीवन और देश का भविष्य उज्जवल हो सके, लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो सरकार की मंशा पर पानी फेरता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह वीडियो में बच्चे ताश खेलने के साथ साथ पैसे लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां लगातार सरकार की ओर से बच्चों के लिए तमाम तरह की योजनाएं लाई जा रही हैं, उनकी उज्जवल भविष्य के लिए शिक्षा से लेकर सभी क्षेत्रों में तमाम तरह की योजनाएं लाई जा रही हैं, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया तरह की योजनाओं का क्या फायदा जब बच्चे इस तरह से खुलेआम ताश खेलते हुए नजर आ रहे हैं और ताश खेलने के साथ साथ बच्चे पैसा भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं, और इसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी है? लोग इल्जाम लगा देते हैं सरकार पर, उनकी योजनाओं पर, लेकिन ये जो नौनी हाल है जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ताश खेलने का, आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? या फिर सरकार खुद आके इन बच्चों को अब रोकेगी ताश खेलने से? आगरा के थानाबाद क्षेत्र में इंडियन गैस एजेंसी के मैनेजर से 1,90,000 रुपए की लूट की घटना सामने आई है। दंदहाड़े हुई लूट की वारदात से जहां पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है, तो वहीं सूचना मिलते ही आगरा एसएसपी सुधीर कुमार सिंह सहित पुलिस फोर्स घटनास्थल पर मौजूद। बाद क्षेत्र के खाद तिराहे की है। वहीं इस मामले पर पीड़ित तो मैनेजर ने बताया कि वो अपने साथी राम नरेश के साथ बाइक से बटेश्वर में एसबीआई की शाखा में पैसे जमा करने जा रहा था, तभी बाइक पर सवार होकर आए दो युवक ने बगल में आकर अचानक उनकी बाइक को टक्कर मार दिया और उनके साथ सिंडोटो से भरा बैग छीन लिया गया। पैसा हम बैंक में जमा करने जा रहे थे, स्टेट बैंक बटेश्वर में, गैस एजेंसी का पैसा था बटेश्वर गैस एजेंसी का। आप कौन हैं? आप सुरेश्वर शर्मा। पिताजी का नाम? एसवी शर्मा। अच्छा, किसका जमा पैसा करने जा रहे थे आप? बटेश्वर गैस एजेंसी का जमा करने जा रहे थे। फिर क्या हुआ? हम इधर से आ रहे थे, इस जगह पे ही जो है दो लड़के मोटरसाइकिल से आए, उन्होंने हमारी बाइक में टक्कर मारी, मेरे साथ एक ड्राइवर था, उसने टक्कर मारी, गाड़ी हम सही करने लगे, सीधा जल्दी से पीछे को बैक हो गए। यहाँ पर जो बात बताई जा रही है कि इन्होंने कुछ दो तीन लड़के अपने गैस एजेंसी वाले अभी 5-6 दिन पहले निकाले थे, ये भी एक कारण हो सकता है, और दूसरा भी इंफॉर्मेशन का कारण हो सकता है। सभी पहलुओं पे जांच की जा रही है और इस घटना को बहुत जल्दी वर्कआउट किया जाएगा। और प्रतापगढ़ के रानीगंज से एक दर्दनाक हादसा हो गया है जहाँ सिलेंडर फटने से आंगनबाड़ी केंद्र जलकर राख हो गया और इस दौरान चपेट में आने से एक राहगीर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
बिजनौर पुलिस ने एक चोरी की घटना का खुलासा किया और चोरी की घटना में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीन की तलाश अभी भी जारी है। दरअसल 19 मई को एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम का ताला तोड़कर चोरों ने इलेक्ट्रॉनिक का सामान और नकदी पर हाथ साफ कर दिया था, जिसके बाद पुलिस उस मामले में पीड़ित की तहरीर पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी थी। 29 तारीख की रात में मोहम्मद अली के इलेक्ट्रॉनिक की दुकान से बहुत सारा सामान चोरी हो गया था, जिसमें पंखा, कूलर आदि, फ्रिज वगैरह। स्थानीय पुलिस ने गैंग को वर्कआउट किया, जिसमें 5 सदस्य थे, उसके 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है, वसीम और सायम। 3 की गिरफ्तारी शेष है। ये सभी 5 अभियुक्त मुरादाबाद के रहने वाले हैं। बुलंदशहर में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां 5 लाख रुपए के लिए एक मासूम बच्चे का अपहरण किया गया था और तो इस वारदात को बच्चों के पिता के दोस्तों ने अंजाम दिया था। वहीं पुलिस ने सर्वेलांस और सीसीटीवी की मदद से बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है और साथ ही 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। ये कल दिन में थाना डिबई पे सूचना मिली थी कि एक बच्चा जो कि अपने साथियों के साथ CHC पे खेल रहा था, वहाँ से 2 मोटरसाइकिल सवार उसे उठाकर लेके चले गए थे। इस सूचना पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत करते हुए थाना डिबई और SOG की टीम को लगाया गया था, जिन्होंने 12 घंटे के भीतर बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है। साथ ही साथ इसमें 4 लोग जो कि इस अपहरण में शामिल थे उन्हें गिरफ्तार किया गया है। खबर रायबरेली से है, जहां 6 करोड़ रुपए का अवैध गांजा पुलिस ने बरामद करते हुए 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से अवैध कारतूस भी बरामद किया है। बता दें, पकड़े गए 2 आरोपियों की पहचान की गई है और दोनों पर संबंधित अपराध के तहत मामला पंजीकृत करके आगे की कार्रवाई के लिए जेल भेज दिया गया है। दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम है रघुनाथ गोसाई, जो लुधियाना के रहने वाले हैं, दूसरे संतोष राठौर, जो लुधियाना ग्रामीण के रहने वाले और जली कानपुर के रहने वाले। खबर कन्नौज से है, जो अखिल भारतीय लोधी युवा प्रदेश अध्यक्ष के साथ दबंगों ने मारपीट की। प्रदेश अध्यक्ष अपने घर से बाजार के लिए निकले थे, तभी रास्ते में दबंगों ने घेर लिया और तमंचा दिखाकर मारपीट करने लगे। मारपीट की आवाज सुनते ही खेत पर काम कर रहे लोग वहां पहुंचे और लोगों को देखते ही दबंग वहां से भाग निकले, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष ने थाने में पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। नेम कुमार उर्फ पुच्छू, सुमित गुप्ता, हरिओ हरगोविंद गुप्ता और राजीव कुमार के दोनों पुत्र आके गंदी गंदी गालियां माँ बहन की देने लगे और मेरे पिताजी को गाली दी। तभी मैंने जब विरोध किया तो नेम कुमार पुच्चू ने तमंचा निकाल लिया, जान से मारने की धमकी दी। जब मैं चिल्लाया तो तमाम ग्रामीण इकट्ठे हो गए और ये लोग भाग गए और ये धमकी देकर गए कि कहीं भी मिलोगे तुमको जान से मार देंगे, तुम्हारे परिवार को मार देंगे। मुरादाबाद में जीविका बचाओ आंदोलन के अध्यक्ष हरि किशोर सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि 24 मई को प्रशासन ने 100 साल से भी पुरानी कपूर कंपनी पर लगने वाली फल सब्जी मंडी तोड़ दिया, जिसमें कई परिवार फल सब्जी बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, लेकिन रेलवे प्रशासन ने बुलडोजर द्वारा मंडी को तोड़कर सभी पीड़ितों के सामान जमींदोज कर दिए। जबकि धरने पर बैठे हरि किशोर ने बताया कि नगर निगम द्वारा सब्जी मंडी का ठेका हुआ था और फल सब्जी वालों से पार्षद से वसूली करता था। मेरा नाम हरकिशोर सिंह है। यहाँ धरने पर हम लोग आज 3रा दिन है और जो ये कपूर कंपनी की सब्जी मंडी जो प्रशासन ने उजाड़ी है और अभी तक उसकी बहाली के लिए प्रशासन कोई काम नहीं कर रहा है, कोई कदम नहीं उठाया है, तो ये धरने का आज 3रा दिन है। ये धरना दिन रात का धरना है, इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, गरीब लोग हैं, तो ये धरना इसीलिए चल रहा है कि मंडी बहाल हो, इनका कारोबार मिले, इनका व्यापार सुचारू रूप से हो, ताकि ये अपनी रोजी रोटी कमा सकें। खबर अमेठी
से है जो अवैध खनन का खेल जोरों पर है। साथ ही दबंगों की दबंगई भी देखने को मिल रही है। मामला जामो थाना क्षेत्र के बाबा नगर का है, जहां अवैध खनन करवा रहे दबंगों ने जेसीबी चालक को पुलिस से छुड़ाया। साथ ही दबंगों ने डायल 112 पुलिस कर्मियों से मारपीट और अभद्रता भी की। अब पुलिस के साथ दबंगों की मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। संवाददाता वीरेंद्र तिवारी, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए अमेठी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, क्या कुछ है, पूरा मामला है? जी, मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि अमेठी जिले के जामो थाना का मामला है, जहां पर अवैध खनन किया जा रहा था जीसीबी द्वारा। और जब डायल 112 सूचना पर पहुंचती है तो डायल 112 के साथ अभद्रता और मारपीट की जाती है। जब पुलिस वालों का जो पीआरबी का बस नहीं चलता है तो और भी पुलिस बल बुलाते हैं, और बुलाने के बाद जब देखते हैं कि पुलिस बल और आ रहा है तो उसके बाद जीसीबी लेके चालक भागता है, उसका पीछा किया जाता है। पीछा करने के बाद कुछ दूर पर जाके उसको पकड़ के थाने लाया जाता है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद वीरेंद्र। खबर कुशीनगर से है, जहां पुलिस ने अलग अलग ब्रांड के नकली शैम्पू बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। अपराध और अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। थाना कोतवाली हाटा पुलिस टीम की ओर से कई ब्रांड की नकली शैम्पू बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए मौके से भारी मात्रा में नकली शैम्पू और शैम्पू बनाने का उपकरण बरामद किया गया। साथ ही 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना स्थानीय पर कॉपीराइट एक्ट पंजीकृत करके अविश्वास विधेयक कार्रवाई की जा रही है। कुशीनगर क्षेत्र के अंतर्गत थाना कोतवाली हाटा और सर्विलांस सेल की टीम ने एक सराहनीय कार्य करते हुए अवैध रूप से नकली शैम्पू बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इसके क्रम में 3 अपराधियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से करीब 2500 से अधिक नकली शैम्पू की बोतलें मिली हैं और इसकी अनुमानित कीमत लगभग 5 लाख रुपये से अधिक है। ये दुकानदारों को पहले एक ओरिजिनल शैम्पू का सैंपल दिया करते थे और जब इनकी माल की बुकिंग हो जाया करती थी तब ये इनको डिलीवरी में नकली शैम्पू की बोतलें सप्लाई किया करते थे। अब तक की खास खबरों में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।